कोरोना वायरस संक्रमण अब धीरे धीरे शहरों से होते हुए गांव की ओर बढ़ चला है और यही वजह है कि जिला प्रशासन लगातार ब्लॉकों से लेकर गांव की गलियों तक कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए तैयारियों को तेज कर दिया है। जिसके मद्देनजर सोमवार को मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने खोराबार ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंडलायुक्त ने खोराबार ब्लॉक पर चल रहे वैक्सीनेशन और COVID-19 जांच केंद्रों का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। साथ ही मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने निगरानी समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर उनसे निगरानी समिति की कार्यशैली की जानकारी ली तथा सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। इस दौरान सीएमओ डॉ. सुधाकर पांडे ने निगरानी समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी प्रकार की दवाओं की आवश्यकता हो तो तुरंत संबंधित अधिकारी को संपर्क करें और सभी डाटा को एक जगह एकत्र कर प्रशासन को मुहैया कराएं। इस दौरान CDO इंद्रजीत सिंह, CMO डॉ. सुधाकर पांडे, ब्लॉक प्रभारी, BDO सहित डॉक्टर और अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, ये 18 to 44 यहाँ पर वैक्सीनेशन सर 18 to 44 यहाँ वेरिफिकेशन सर, ये वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद यहाँ सर वैक्सीनेशन करवाते हैं और सामने बैठते हैं सामने वहाँ 10 लगभग वहाँ और 180-190 लगभग यहाँ, ये सर 180-190 और यहाँ पर तो इसमें कौन देखता है वैक्सीन, आप देखते हैं कैसे करते हैं वेस्टेज बचाने के लिए, आप क्या क्या करते हैं सर? हम लोग लास्ट पर अभी तो वायरस चल रही है बट लास्ट जो हमारे आस होते लगा रहे हैं हम उसमें हम लोग रोक लेते हैं सर। जैसे अगर मान लीजिए 4 लोग आए हैं तो उनको बोला जाता है, पहले 18 वाला बताइए सर, 18 वाले में रजिस्टर करके उनको रोक लिया जाता है। आप अपने यही वेट करिए, अगर वो लोग आज जैसे कि अगर 4 लोग हैं जैसे सर, वो 10 का वायरस है फिर आप कैसे करते हैं सर? 10 का वेट करते हैं ये सर, हम लोग 12 बजे के बाद शुरू कर देते हैं। 12 बजे तक तो आते ही रहते हैं लेकिन 12 बजे के बाद भी बॉय जब तो फिर वेट करते हैं, जब 10 हो जाते हैं तो बॉय खुलती है, फिर 10 होते हैं, फिर आप शुरू करते हैं जाते हैं उनको रोक के बिठाते जाते हैं, वेट कर लो और लोग आ जाते हैं। लास्ट में 9 लोग बचे तो आप लगा देंगे लेकिन 11 होंगे तो एक को नहीं लगाएंगे। एक जो बच गया उसको क्या अगले दिन बुलाते हैं सर? अगले दिन के लिए उसको री शेड्यूलिंग के लिए करें जी सर, उनको थोड़ा सा हमें मोटिवेट करना पड़ता है। उसी में वही लोग कहते होंगे कि हमें नहीं लगाए बुलवा के लगवा दें पूरा हो सर। पर डे हमारे पास ऐसे कम से कम 7 से 8 ऐसे लोग आते ही आते हैं जो सिर्फ रजिस्टर्ड होते हैं बट हमारा स्लॉट नहीं लिया होता है। अगर हमारे पास पोर्टल में ये ऑप्शन आ जाता तो हम कर लेते तो हमारा वो भी हो जाता। वो कहते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमको लगा दीजिए, क्यों नहीं लगा? कुछ हुआ नहीं होता सर, सारे देखिए इसमें एक ही चीज़ मैं आपसे बोलूँगा, आपको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन जब आप पब्लिक से बात करें ना थोड़ा अच्छे से ये शिकायत बहुत आती है, ये शिकायत बहुत आती है कि लोग अच्छे से बात नहीं करते। कोई लोग अगर फील नहीं कराए तो यहाँ हम लोग यहाँ पर आके चेक कराते हैं। ये एंटीजन से कर रहे हैं आप? और एंटीजन का निगेटिव आता है लेकिन सिम्टोमेटिक है तो कैसे करना है?
आप बताइए आरटीपीसीआर कितनी बार लेते हैं? अन्या भाई एलडी सर आई आपको बताइए आरटीपीसीआर किसका लेते हैं? नहीं किसका लेते हैं, किस पेशेंट, किस पेशेंट, किस व्यक्ति का आर टी पी सी आर एंटीजन पॉजिटिव आता है उनका नहीं लेते हैं, जिनका एंटीजन नेगेटिव आता है वहीं का लेते हैं। जिनका एंटीजन नेगेटिव हो और जिनको कोई लक्षण हो उनका ही लेते हैं, जी वहीं का। और आप लोग खुद आए हैं या आप किसी ने भेजा है? सर आप लोग खुद से आए हैं या किसी ने भेजा है? हमारी अन्य अधिकारियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके लगभग 10 ग्राम पंचायतों से निगरानी समिति के मेंबर्स को बुलाए गए हैं। ग्रीपो कंपनी के सर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ पे पत्रकार आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी प्रोफेसर मराठी को बुलाए गए हैं। आपकी जो निगरानी समिति है ये जंगल रामगढ़ चौड़ी में, इसमें आपके सदस्य कौन कौन है? निगरानी समिति का कार्य क्या है? जो आपको मोटली बना के दी गई है कितनी है? कोई मना करता है, कोई ये कहता है कि नहीं हम आपको क्यों बताएं? डीबी सेकेंडरी का रोल तो इधर बहुत इम्पोर्टेंट है और उनको जरूर लगाइए डीबी सेकेंडरी है चालू करिए। पता है आपके यहाँ चीफ कॉन्स्टेबल है कि नहीं है? तो खांसी बुखार जुकाम फीवरिश है, आप उसका टेस्ट कराने की भी व्यवस्था कराइए, लेकिन उसको दवा तुरंत दे सूचित यहाँ कर दीजिए। लखीमपुर की निगरानी समिति से है कौन? आप लखीमपुर से हैं? ये बताएं कि सपोज आप एक घर में गए, लोगों को बुखार है, आप क्या करेंगे? तो आप जाकर के ब्लड में जांच कराएंगे। आपके पास कोई होता है ऑक्सीमीटर या कुछ चेक करने के लिए? नहीं सर हम लोग को नहीं मिला। आपके पास कुछ है ऑक्सीमीटर थर्मामीटर कुछ है? नहीं सर। और रेडियो मिल रहा है समय से? सही सही बताएं। फिर आशा मैम बताएं कि आपको समय से आपका जो पारिश्रमिक होता है 300 इसका 500 इसका कितना हो जाता है? 300 दस्ताना सैनिटाइजर मास्क ग्लव्स हम लोग घर घर में जा रहे हैं क्षेत्र में, मगर लोग डर गए हैं, बहुत डर गए हैं, बता नहीं रहे हैं, परेशान हम लोग हैं, बार बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत बताइए। बुखार के मामले में सुन के लोग और डर गए हैं, थोड़ा हम लोग तो परेशान हैं। तो कोई ना नहीं है हम लोग आपके रूट पर तो देखिए इतना ट्रैफिक है, भीड़ तो खूब है। कि आप लोगों को पारिश्रमिक मिल रहा है कि नहीं खुद का? आपको वही पारिश्रमिक मिलेगा जो शासन ने तय किया हुआ है, लगभग 3,000 से 4,000 रुपए होता होगा, वो मिल रहा है कि नहीं? नहीं सर कुछ तो मिल ही रहा है, तभी हम लोग काम कर रहे हैं। आशा जो है
आशा ये जब ये आपके हर कार्य में मदद करते हैं, मदद में आप का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचिएगा ये स्वास्थ्य विभाग का कार्य है, चिकित्सा सेवा प्रोवाइड करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बट उस ग्राम पंचायत गांव सभा क्षेत्र में यदि संक्रमण फैल रहा है, ये आपका कर्तव्य है कि आप सीडीओ और वीडियो दोनों को बताएं। ये 24 घंटे के अंदर हम मेडिसिन किट जरूर, ये कुछ चीजें थी मुझे कहना था, सीओ साहब आशा है और आप सभी लोगों से हमारा ये निवेदन है कि आप जब भी गाँव में जाए या कहीं भी जाए तो आप थोड़े से जो भी कोरोना के संबंधित चीजें आप जरूर बताएं, क्योंकि ये भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आशाओं के पास एनएम के पास जो भी मेडिकल किट है, पहले तो आप सब लोग खा लीजिए, ये एक ऐसी दवा है जिससे कि कोरोना अगर हुआ है तो खत्म हो जाता है। और हमारा इंस्ट्रक्शन है आशाओं के खास कर आशा यूनिट में हमारे ये कहना है कि आप सभी लोगों को दवाइयाँ दे दीजिए, जिससे कि जिस भी घर में कोई पॉजिटिव केस आ रहा है उसमें दो चार दस लोग जो भी हैं उन सभी लोगों को दवाइयाँ दे दीजिए। दवाइयाँ हमारे पास इतरात हैं, अगर कहीं भी कमी आती है तो आप NYC से कहिए, आप पैकेट से पैकेट ले जाइए, दवाइयाँ बाकी हैं जहाँ भी जाए लेकिन आपसे सिर्फ एक एश्योरेंस और आश्वासन चाहिए कि आप अपनी पूरी ताकत से गाँव की जनता को इस बीमारी से बचाने में अपना योगदान दें। इतना ही मुझे कहना था, धन्यवाद। सीन चल रही है सर, कोई समस्या, कितने डॉक्टर हैं आपके इस साइड आ जाए तो लोग। सर एक्चुअली आपने पिछली बार आपने विजिट किया था तो आप बोले थे एक टीम में दो डॉक्टर की जरूरत है, आपके केसेस बहुत ज्यादा है ना मैडम, तो हमने एक टीम में एक डॉक्टर और एक उसके साथ लगा था। आरआरटी टीम आ जाए, कितने कौन कौन डॉक्टर कौन कौन है नाम बोलिए अपना डॉक्टर का नाम डॉक्टर। तो इसमें आयुष से कौन कौन है मैडम, तो आपकी तीन टीमें हैं ना, तो अभी कितने सर लिस्टिंग है मेरे पास सर वो। देखिए बात ये है कि जाना जरूरी है, 12 बजे के बाद कार्य करना है, सिर्फ हम डाटा एंट्री करते रहेंगे और वहाँ जाके पॉजिटिव केस से नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं होगा, हम अपने को धोखा दे रहे हैं। और याद रखिए संक्रमण किसी को देखता नहीं है, आज हम छोटे से एरिया को ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी के घर में मदद नहीं कर रहे हैं, धीरे 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 फैल के एक दिन हमको भी छूए, छूता ही है। इसलिए मेरा अनुरोध ये है कि आरआरटी टीम से जाएं जरूर, विलम्ब हो गया गलती सिखाने की आज गलती होगी, आज जाना नहीं जा पाए कल सुबह तक, और नहीं तो कुछ दवाएँ हम खरीद भी सकते हैं। जो आपके मंत्रालय से आई है, देखिए ग्राम अंचल में हमारे मंडल की ज़्यादातर जनसंख्या रहती है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्राम अंचल तक जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के निर्देश हैं वो पहुँचे। निगरानी समितियाँ और आरआरटी भ्रमण करें, निगरानी समिति निगरानी रखें, जो सर्वेलेंस का कार्य दिया गया वो हो, और यही देखने के लिए हम लोग आज खुराबार ब्लॉक की पंचायतों में जा रहे हैं। अभी मैंने ब्लॉक और यहाँ पर PSC पर वैक्सीनेशन और सैंपल टेस्टिंग के कार्य देखे हैं, निगरानी समितियों और आरआरटी से बात की है, और अब हम लोग कुछ गांव विज़िट करके देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव लोग होम आइसोलेशन में हैं इनको जो व्यवस्था की गई है शासन की तरफ से वो वाकई में पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। तो ये प्रयास रहेगा कि मंडल के चारों जनपदों में जो व्यवस्थाएँ शासन द्वारा निर्दिष्ट हैं वो सही मायने में पहुँचे और हम संक्रमण से लोगों को बचा सकें।